नमस्कार। राजा फाउंडेशन की ओर से हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि विष्णु खरे की स्मृति में आज यह श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है, जिसमें हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। 9 फरवरी 1940 को छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में जन्मे हिंदी के विलक्षण एवं निर्भीक कवि विष्णु खरे का देहांत 19 सितंबर को हो गया। सारथी से आरंभ कर वसुधा, कृति, कहानी, माध्यम, नई कविता इत्यादि पत्रिकाओं में से अपनी काव्य यात्रा शुरू करने वाले विष्णु खरे हिंदी के सबसे निर्भीक कवियों में से एक रहे हैं। उनका सरोकार नए रचनाशीलता से जिस तरह से रहा है, वह अपने आप में विलक्षण है। मैं आज की बातचीत को बढ़ाने के लिए और श्रद्धांजलि के लिए सबसे पहले राजा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी एवं हिंदी के कवि श्री अशोक वाजपेयी जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। वे आए और अपनी बात करें। बजाय इसके कि मैं संस्मरण सुनाने लगूं, इसका मोह बहुत होता है, मैं एक छोटी सी टिप्पणी आपको पढ़ के सुनाता हूं, जो मैंने लिखी और प्रकाशित हो जानी चाहिए थे, अभी नहीं हुई है, शायद आज हो जाएगी। इसका शीर्षक मैंने उनकी नए कविता संग्रह की एक पंक्ति से लिया है, ब्रह्मांड के अंत तक गूंजता अट्टहास। एक विचित्र कविता है जिसमें व्यास के माध्यम से कुछ बातें कही गई। विष्णु खरे अगर हिंदी के सबसे निडर निर्भीक लेखकों में से एक थे, तो इसलिए भी कि उनकी आत्मालोचना उनके साहित्य का अनिवार्य हिस्सा थी। निर्भीक आधुनिकता का दावा करने के बावजूद हिंदी में ऐसे कवि बहुत कम हैं जो दूसरों के कमीनेपन की बात करते हुए इस सहजता से स्वीकार करें कि उतना पहचानने लायक कमीनापन मुझ में भी बचा है। अपनी चमड़ी चोर शर्म को आत्मस्वीकृति उनमें हमेशा सक्रिय थी। विष्णु खरे ने कभी किसी को कविता में और शायद जीवन में भी नहीं बख्शा, और ना ही अपने को। उनके अंतिम कविता संग्रह का एक अंश है, मुझे मालूम है कि सिर्फ एक आदमी के लिए बहुत कम हो पाता है, और मैंने उससे भी कम किया। चाहा तो कितना था कि बहुत कुछ करके जाऊं, नहीं कर पाया तो उसके कई कारण थे, जिनमें सबसे बड़ा मैं ही था। वे उन शक्तियों की शिनाख्त से कभी नहीं चूके जो हमारे समय और समाज में मनुष्य विरोध, शोषण और हिंसा अत्याचार में लिप्त हैं। वे उनके विरुद्ध सदा प्रतिबद्ध रहे। यथार्थ की उनकी पकड़ में यह एहतराम भी शामिल था, यूं भी एक चिराग का उजाला आखिर टिकता ही कितना है, और जाता भी होगा तो कितनी दूर। अगर कविता का एक जरूरी काम और किसी हद तक पैमाना ये है कि वह सच्चाई के अनछुए और अनपहचाने रूपों को भाषा में लाए, तो विष्णु खरे ने यह काम बखूबी किया। और ऐसा करते हुए उन्होंने कविता और गद्य, कविता और आख्यान की अनिवार्य दूरियों का बहुत सुखर अतिक्रमण किया। उनकी कुछ कविताओं के शीर्षक ही प्रमाण के रूप में काफी है। उल्लू, देर से आने वाले लोग, गूंगा, लड़कियों के बाप, गीद, हमारी पत्नियां, लापता, चौथे भाई के बारे में, गुंग महल, सिंगल विकेट सीरीज, जो टेम्पो में घर बदलते हैं, टूटे तार, आलैन आदि, इतनी अधिक सुशिल्पित कविताएं उनकी या उनके बाद की पीढ़ी के शायद ही किसी और कवि ने लिखी हो। हालांकि उनकी छवि विद्वान की नहीं रही, विष्णु इतिहास, पुराण आदि के गहन अध्येता थे। उन्होंने महाभारत या मुगलकालीन इतिहास से जो प्रसंग चुने हैं अपनी कविता में, वे हिंदी तो क्या भारतीय कविता में उनसे पहले प्रायः अछूते रहे। चाहे साहित्य हो या पत्रकारिता, उनका गद्य कई बार जल्दी में लिखा जाने के बावजूद सदा सुलिखा गद्य था। ये याद किया जा सकता है
कि अज्ञेय और शमशेर की मृत्यु के बाद उन्होंने जो शोक टिप्पणियां बिना नाम के लिखी थी वे शोक गद्य में अप्रतिम है। युवा पीढ़ी के सृजनात्मकता में उनका मुझसे कहीं अधिक भरोसा था। मैं उनसे बार बार कहता था कि तुम जरूरत से ज्यादा यकीन करते हो उनकी संभावना पर, मुझे इतना आश्वासन नहीं है। ऐसे युवाओं की बड़ी संख्या है जिनकी रचनाएं ध्यान से पढ़ने के बाद जिन्हें विष्णु की प्रशंसा या फटकार न मिली हो, वो लेखकों की चूकों पर फिर वे रचना में हो, आलोचना या सामाजिक व्यवहार में हमेशा एक चौकन्ने लेखक की तरह तेज और अक्सर टेढ़ी नजर रखते थे। अपने अनुराग या घृणा में वे अक्सर अतिरेक करते थे, पर कभी भी उन्होंने अपनी सच्ची भावना छिपाने दबाने का छद नहीं किया। विष्णु खरे एक युद्ध और योद्धा लेखक थे, वे आखिर तक लगभग हर मोर्चे पर लड़ते रहे, जब तक अपने से ज्यादातर दूसरों से, दुनिया से और मनुष्य विरोध की हिंसक शक्तियों से। उनका न होना हिंदी साहित्य में एक निडर निर्भय योद्धा का न होना है। विष्णु खरे के इस अंतिम प्रकाशित कविता संग्रह की पहली कविता शोक सभा पर है, और उसमें भी जो विष्णु खरे की टेढ़ी नजर है उसकी मैं कुछ पंक्तियां आपको सुना देता हूं। वो इस शोक सभा पर टिप्पणी न मानी जाए। कहना मुश्किल है कि हर वह व्यक्ति जिसके लिए शोक सभा की जाती है उस शोक का हकदार होता भी है या नहीं। जो उसके लिए शोक मनाया जाता है वो सच्चा होता है या नहीं, और जो उसके लिए शोक मना रहे होते हैं उनमें से कितने वाकई शोकार्थ होते हैं और कितने महज राहत महसूस करते दुनियादार। और उसका समापन होता है, मेरा शोक प्रस्ताव ये होता कि बहुत रख चुके अब हम इंसान की स्मृति में एक सेकंड का भी मौन नहीं बल्कि चुप्पी के सारे विलोम रखें, और वो भी महज दो मिनट के लिए नहीं, और यही नहीं यानी आवाज बात बहस ध्वनि कोलाहल शोरगुल रव गुहार आह्वान तुमुल नाद बलवा बगारत बगावत चारसू। तो अगर विष्णु खरे के बारे में जितनी टिप्पणियां पिछले दिनों में आई हैं उनको ध्यान में रखें तो लोग चुप्पी से काम नहीं ले रहे हैं, मौन से भी काम नहीं ले रहे हैं, और वो आवाज बात बहस ध्वनि आदि उनको लेकर कर रहे हैं। अब मैं हिंदी के संपादक ओम थानवी सर को आमंत्रित करता हूँ, वे आए और अपनी बात। मुझको मालूम नहीं केशव जी ने मुझको क्यों जोर बोलने वाले हैं, उन्हें चुना है क्योंकि मैं साहित्य पे बोलने का मैं अधिकारी हूँ। हाँ, उनके संपर्क में मैं जरूर रहा, और खरे साहब के बारे में बोलना मुश्किल भी है। मैंने पहली बार अशोक जी को देखा कि लिख के लाए हैं, खरे साहब के बारे में सोच समझ के बोलना उचित है, चाहे वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनका जो उनका जो आतंक शब्द में इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि इन दिनों में और ढंग से व्याप्त है, लेकिन भय तो रहता था कि मैं उनके रहते तो मैं कहता था कि उनके साथ में मेरा लव हेट का रिश्ता है, पर अब मैं हेट शब्द जो है मैं सोचता हूँ वो गलत था। ये जरूर है कि वो प्रेम भी करते थे लेकिन बीच बीच में जो है उनकी डांट डपट, मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, यहाँ तक कि परिवार के लोगों के बारे में भी कभी कभी बात करते हुए वो उस तरह से गुस्से का इजहार करते थे, पर वो एक ताप था, मैं मानता हूँ एक तरह की ऊष्मा, लेकिन उसमें कभी कभी थोड़ी तलखी कभी गुस्सा रहता था, तो इसलिए वो शब्द जो है धीमे धीमे करके जो मैं कभी सोचता था वो खुद झड़ गया और मैं उनको समझने लग गया था कि क्या है। इसलिए जब मुंबई से यहाँ आते थे तो परवेज साहब को कहते थे कि इनके घर के सामने जो एक
गैलरिया नाम की दुकान है, वहाँ से आते हुए क्या सामान लेके आए जो हम लोगों को अच्छा लगता है, जबकि डॉक्टर लोग उनको जो है उसे दूर कर चुके थे और वो इस मामले में काफ़ी ईमानदारी से दूर थे भी, बल्कि कमरे में रहते हुए कंप्यूटर पे काफ़ी पड़ताल करते रहते थे बीमारी के बारे में क्या क्या जानकारियाँ, क्योंकि इस मामले में वो बिल्कुल नई पीढ़ी से भी कुछ आगे थे। बहुत सी जानकारियाँ इंटरनेट से कैसे हासिल की जा सकती हैं, क्या लिखा जा रहा है दुनिया में, और वो ऑनलाइन जो है वो काफ़ी इस मामले में काफ़ी पारंगत थे। मैं एक तो उनसे जो बहुत प्रभावित हुआ वो इस बात से हुआ कि उनकी रेंज बहुत व्यापक थी। इतनी रेंज जो है वो ढूंढना हिंदी में बहुत मुश्किल है, और ईमानदारी के साथ में उनमें वो बैठे हुए थे। साहित्य की बात तो बहुत लोग अभी करेंगे, साहित्य मतलब कवि के नाते और गद्य में भी, और संपादक के नाते जो अशोक जी ने जिक्र किया, संपादकीय जो दिनमान नवा टाइम्स में लिखते थे, संपादकीय जो है वो संपादक के नाम से जाने जाते हैं लेकिन लिखते तो सहायक संपादक हैं और पता भी नहीं चलता किसने लिखा, लेकिन कुछ संपादकीय ऐसे थे जिनका पता चल गया क्योंकि वो इतने अनूठे थे, जैसे कि अज्ञेय की मृत्यु पर लिखा हुआ संपादकीय था। तो भाषा को लेकर के भी जो है उनकी समझ थी, सिनेमा को लेकर, कला को लेकर के, नाटक को लेकर के, और सिनेमा में चूंकि मेरी भी दिलचस्पी थी कई जगहों पे हम लोग साथ में गए। एक फिल्म समारोह में मुझको अभी भी याद है कि हम पास पास की सीट पर बैठे थे और उन्होंने एक फिल्म के बारे में कहा कि अगर ईमानदारी से फैसला हुआ जूरी का तो ये फिल्म सबसे अच्छी साबित होगी, और वही फिल्म मैं इस बात को लेकर मैं कई दिन तक जो है चमत्कृत रहा उनकी बात को कि कितना उन्होंने जो मतलब फिल्म अच्छी लगी, लेकिन ये कह देना, और वो कह सकते थे, मतलब वो कुछ भी जो है वो फैसला बात जो है तुरंत कहा कि ये फिल्म सबसे अच्छी, इस फेस्टिवल का फैसला हो गया, जबकि और फिल्में अभी आने वाली थी। उन्होंने जनसत्ता के लिए लिखा भी, वो स्तंभ मैंने उनको आग्रह किया था कि वो लिखें, अशोक जी का स्तंभ भी था, पूर्वानंद जी कई लोग मित्रों के और जो वरिष्ठ थे उनके स्तंभ हमारे यहाँ पे छपते थे, तो मैंने विष्णु खरे जी को भी आग्रह किया। बाद में मुझको लगा कि मुझसे भूल हो गई, क्योंकि इसलिए कि स्तंभ वो बहुत अच्छा उन्होंने शुरू किया, एक स्तंभ के बाद अगले स्तंभ में उन्होंने जो है वो चाबुक चलाना चालू कर दिया, और वो चाबुक जो है उनकी चाबुक से कोई नहीं बच सकता था। तो मित्रों पर भी लिखते थे तो कोई बात नहीं, मेरे मित्रों पे लिखें, अपने मित्रों पे लिखें, फिर उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया जहाँ वो काम कर चुके थे, तो मुझको लगा कि अब इसमें जो है, तो एक दिन मैंने उनको कहा कि अभी शुरू भी हो गया, अब इसको बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा मुझको पता था, मैंने शुरू करते हुए सोच लिया था कि तुम में इतनी हिम्मत नहीं है, और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि कितनी गालियाँ उन्होंने दी होंगी और वो सुनना पड़ता था जो भी कहते थे, लेकिन जब तक जो है उन्होंने मैंने जब भी कहा इस अनुभव के बाद में भी उन्होंने लिखा, और उनकी भाषा जो है आप सब लोग जानते ही हैं, मैं इस पर क्या कहूँ, वो उनका अनुशासन जैसे जीवन में भी था, वो अनुशासन उनका भाषा में भी बड़ा ज़बरदस्त था। मतलब शब्दों को लेके अगर मैं कभी दुविधा में होता तो कुछ लोग जिनसे मैं बात कर सकता था उनसे सीधे फ़ोन कर सकता था, और वो उनकी जो राय होती थी वो बिल्कुल साफ, जिन चीज़ों से उलझते हुए मैं भी जूझ रहा हूँ वो भी कहते हैं मैं भी उससे गुजर रहा हूँ लेकिन उसका रास्ता निकालते हैं। एक बार मैंने उनसे पूछा कि जी को हम नाम के साथ लगाएं या जो है जगह छोड़ के लगाएं, कि जैसे हम शकुंतला जी लिखें तो जी जोड़ दें, तो उन्होंने कहा मोराट जी के साथ में अगर आप जी लगाएंगे तो वो अटपटा हो जाएगा, तो इसलिए कभी कभी कायदे से तो जोड़ के लिखें लेकिन कभी कभी तोड़ भी सकते हैं ना, ये इस तरह की चीज़ें भी। शुरुआत हिंदी में जो है शुरू में रू बड़ा है लेकिन शुरुआत में रू छोटा हो गया, लेकिन वो अकेले थे जो कहते थे कि शुरुआत में ही बड़ा होना चाहिए, कोश में भी आपको बड़ा मिलेगा, लेकिन जैसे चीज़ें रूढ़ होते होते गलत चीज़ें चलन में आ जाती हैं, जैसे सोच शब्द स्त्रीलिंग के रूप में आ गया, तो ठीक है साहब सब लोग लिखते हैं, आजकल बोलते हैं मेरी सोच तेरी सोच, क्योंकि वो उस पीढ़ी में थे कि जानते थे कि सोच पुल्लिंग है और पुल्लिंग ही लिखते थे, पुल्लिंग ही बोलते थे। और कटु तो खैर वो थे, मतलब इसके बारे में जो है किसी को भी शायद संदेह न हो, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि उसमें मतलब एक तरह का चंचल तत्व भी रहता था, उनको थोड़ा मजा आता था, मतलब कई बार किसी को सता के किसी के बारे में जो है ऐसी कड़ी टिप्पणी करके वो खुद इस बात का जो है वो मजा लेते थे। थोड़ा अतिवाद जरूर मुझे कई बार लगता था कि उनमें है थोड़ा, और जैसे वात्स्यायन जी का जिक्र आपने किया तो मुझको लगता है कि वात्स्यायन जी को लेकर मुझे नहीं पता, एक तो वात्स्यायन जी को वात्स्यायन कह के बात करते थे, मतलब वो उनको कोई बहुत महान साहित्यकार
एक वक्त तक, बाद में शायद थोड़ा बहुत जो है वो उनके मन में देवता जागा, तो उन्होंने एक दफा मुझको कहा कि देखो मैंने ये अज्ञेय की अप्रकाशित कहानी ढूंढी है, कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ये कहीं छपी भी नहीं है, मेरे पास अभी भी रखी है और किसी न किसी संकलन में उसका इस्तेमाल करना होगा। तो वो जो अतिवाद उनमें रहता था वो ये था कि अज्ञेय जो है वात्स्यायन वात्स्यायन कह के बात करते थे, तो एक जिप्सी लड़की नाम से किताब छपी थी, अगर आपको ख्याल हो अवधेश कुमार जो चौथा सप्तक के कवि थे और बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे, उन्होंने चौथा सप्तक के बाद एक संग्रह छपवाया जिप्सी लड़की, उसकी भूमिका जो है लिखने का काम उन्होंने खरे साहब को कह दिया, तो खरे साहब ने वो पूरी भूमिका जो थी ये चूंकि चौथा सप्तक के कवि थे अवधेश कुमार, तो उन्होंने पूरा वात्स्यायन जी से हिसाब चुकता करते हुए कि ये आदमी उनके चक्कर में फंस गया था अज्ञेय नाम के और अब निकल आया, ये अच्छी बात है कि वहां से निकल के आ गया, वो पूरी भूमिका जो है वो अज्ञेय की निंदा करने के लिए ही उसकी, उनमें अवधेश कुमार की कविताओं के बारे में चर्चा कम है और वो अपना जो गुस्सा है उनमें जो वजह नहीं मालूम है कि क्या थी। मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करते थे, मुझे मैं सौभाग्यशाली हूँ जो उनके घर पे गए हैं, हिंदी के लेखकों में जो मतलब दूसरों के यहाँ जाने को तैयार रहते हैं, और जैसा कि निर्मल जी कहते थे कि जेब में हाथ नहीं डालते हैं, किसी के बारे में चर्चा चली तो उन्होंने कहा कि नहीं वो दूसरों की जेब में तो हाथ हमेशा डाले रहते हैं, लेकिन खरे जी उनमें नहीं थे। खरे जी इस मामले में यहाँ पर भी IIC में बहुत से लोग गवाह हैं जिनमें उनको वो कह सकते थे कि आप हमारे साथ बैठिए, आपका बिल मतलब अशोक जी का जैसे स्वभाव है कि बुला बुला करके कि आइए बैठिए, खरे साहब भी जो हैं वो इसमें नहीं रहते थे कि ये व्यक्ति मुझे आज मिल गया जो शायद आज मेरा बिल साइन कर देगा, इसकी वो नहीं थे, बल्कि वो दूसरों के बिल साइन करते थे घर पर बुला करके। मुझको मालूम है एक बार मैं और विनोद भारद्वाज और मंगलेश जी भी वहाँ पे थे और वो बाहर से आए थे और एक डिम्पल नाम की महंगी सी चीज़ जो है वो थी, तो तुरंत मना, मैंने लोगों को जानता हूँ कि वो ऐसे जब हम जैसे लोग आ जाएं जो गहरे गहरे तो फिर और चीज़ें होती हैं खोलने के लिए, वो चीज़ें संभाल के रखते हैं कि कोई बड़ा महान व्यक्ति आएगा उस वक्त काम आएगी। खरे साहब ने ही नहीं किया ये, इसका मंगलेश जी भी इस बात का गवाह हैं, और हमने उसका इतना लाभ उठाया कि उस वो शाम बहुत देर रात तक जो है वो यादगार हो गई, और उसकी क्यों यादगार हो गई उसकी मैंने कितनी कहानी सुनाता हूँ। और अंत में कि जो जो अतिरंजना का मैंने आपको जिक्र किया उसका शिकार मैं भी हूँ, यानी अग्गे से लेकर के और मतलब गंगुतेली तक कोई भी ऐसा नहीं था जो उनकी अतिरंजना का शिकार ना हुआ हो। उन्होंने एक बार मुझको एक किताब भेंट की फाउस्ट, अनुवाद आप जानते हैं बहुत ही अच्छा करते थे और कई भाषाओं के जानकार थे, अंग्रेजी के तो खैर थे ही, और मैंने एक बार उनसे जर्मन अनुवाद भी करवा लिया, तो उन्होंने कहा था कि मैं जर्मन भाषा जो है उसका कोई पारंगत नहीं हूँ, ठीक है आता जाता रहता हूँ, पर मैंने कहा नहीं, ये लोटा लोसे आपके दोस्त हैं बीमार हैं, उन्होंने ये वात्स्यायन जी के बारे में लिखा था और मैं जो अपने अपने अज्ञेय संपादित कर रहा था उसमें आप उसका अनुवाद कर दें तो ये काम आ जाएगा, और मैं किसी को जानता नहीं तो किसी से करवा दीजिए आप जर्मनी में। तो उन्होंने काफ़ी समय तो लिया, लेकिन उन्होंने जो अनुवाद किया अद्भुत अनुवाद है और छपा भी है उस किताब में। तो ये जो फाउस्ट का अनुवाद था उसकी प्रति उन्होंने मुझको हमारे घर आए तो भेंट की, और उसमें उन्होंने लिख दिया कि राजेंद्र माथुर के बाद हिंदी के अप्रतिम संपादक ओम थानवी के नाम। तो मैंने कहा कि अतिरंजना का शिकार मैं भी हुआ, उसके बाद कभी उनका गुस्सा फिर चढ़ा तो दुर्भाषा की तरह तो दे दिया किसी को कुछ भी कह दे, तो उन्होंने लिख दिया हमारे अखबार में बहस चल रही थी कि तुम ओम थानवी अपने आप को क्या समझते हो ये वो सब। तो मेरा जैसे स्वभाव था मैंने अपने अखबार में उसको छाप भी दिया पत्र, जैसे एक बार किसी ने लिखा था शायद आनंद स्वरूप जी ने कि ये हिंदी का सबसे आप हिंदी के सबसे निकृष्ट संपादक है, तो वो तो लोगों ने कहा ये तो निकाल देते, मैंने कहा भैया उन्होंने कहा है तो ठीक है किसी इतने बड़े पत्रकार की बात को मैं नहीं निकाल सकता, तो खरे साहब ने भी जो कहा वो मैंने छाप दिया कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, पर मैंने साथ में जवाब जरूर लिख दिया, मैंने कहा कि मैं तो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता हूँ लेकिन आप क्या समझते हैं वो किताब मैंने संभाल के रखी हुई है, और मैंने उसका फोटो साथ में लगा दिया, तो फोन करके कहा कि तुम बहुत ही जो है ना बदमाश आदमी हो। तो जो भी हो मैंने कहा कि मैं अधिकारी नहीं था इस बात का, लेकिन जो है वो उनके साथ में जो घनिष्ठता हो गई वो बहुत कम लोगों के साथ साहित्य में हुई होगी, मतलब मिलना जुलना बहुत रहता है पर मैं जानता हूँ कि एक दीवार जो है वो सबके बीच में है, औपचारिक सा संबंध है, मौका पड़ने पर लोग जरूरत पड़ने पर मिलते भी नहीं हैं, उनके साथ में जो है वो दीवार बिल्कुल ढह गई थी और इस वजह से उनसे मिलना जुलना अधिक रहा, चाहे उनका लिखा हुआ हमने छापा चाहे कभी उनसे मैंने राय ली नहीं ली, लेकिन मिलने पर लगता था कि हम लोगों की दोस्ती कोई बहुत पुरानी है बहुत गहरी है। तो धन्यवाद।
अब मैं हिंदी की कवित्री सॉरी कहानीकार वंदना राग को आमंत्रित करता हूँ, वे आए और अपनी बात रखें, साथ ही यह आग्रह कि समय का थोड़ा ख्याल रखें। मेरे पास तो इतने सारे संस्मरण भी नहीं हैं जैसे मेरे पहले आने वालों ने बोला है या जो उनको बरसों से जानते थे, लेकिन 15 साल पुरानी पहचान थी, 15 साल पुरानी पहचान ज़रूर रही है, और हो सकता है कि समय कम मिला उनके साथ, लेकिन जो संस्मरण है, जो साथ रहा है, वो बहुत बहुमूल्य साथ रहा है। इसीलिए उनके बारे में जब सब बातें करते थे तो हर कोई अभी उसके बारे में बार बार जिक्र भी कर रहा है कि उन्हें दुर्वासा कहा जाता था। और एक दिन मैंने उनसे हाल ही में कहा कि आप गुस्सा बहुत करते हैं, आपको पता है लोग आपको दुर्वासा कहते हैं, तो कहते हैं यू थिंक आई डोंट नो अबाउट इट, मैं सब जानता हूँ अपने बारे में। मैंने कहा ठीक है। ये अंतिम बार जब मैं उनसे मिली थी 1-1.5 महीने पहले की घटना है, IIC में हम लोग मिले थे, और उनसे मेरा संबंध इस लिहाजे और गहरा हो गया क्योंकि जैसे बार बार सबने जिक्र किया, ये भी सब बोल ही चुके हैं और बोल रहे हैं लगातार उनके बारे में, जो वर्बोसिटी के साथ लोग अपनी संस्मरण भी बता रहे हैं और उनके बारे में भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो सब कह ही रहे हैं कि वो उनके अंदर एक ऐसा ब्राइट, एक ऐसा ब्रिलियंट टाइप का इंसान था जिसको अन्वेषक कह सकते हैं, जो अपनी कविता में तो उन्होंने जो अन्वेषण किया भाषा के स्तर पे या प्लॉट के स्तर पे या थीम के स्तर पे, उसके लिए मैं बहुत प्रकांड नहीं हूँ और मैं उसके बारे में बहुत टिप्पणी नहीं कर सकती, पर लोगों को जो वो पहचानते थे, जो युवाओं को उन्होंने लोग कहते हैं प्रश्रय दिया, और वो कैसे दिया, कैसे वो पहचान पाते थे कि ये लड़का या ये लड़की अलग है, जो लोग लिख रहे हैं उनसे अलग है। हो सकता है, देखिए पसंद तो निहायत रिलेटिव मुद्दा होता है और सबकी अपनी बात होती है, लेकिन उनके अंदर ये बात मैं देखती थी, ये बारीकी देखती थी कि वो किसी भी चीज़ को उठा कर कहते थे कि देखो ये बहुत अलग है, इसको पढ़ो। जैसे उन्होंने मुझे एक भूलन कांदा किताब उपन्यास है संजीव बख्शी का, जो कि छत्तीसगढ़ पर लिखा हुआ था, और वो बिल्कुल डूब सा जाता उपन्यास, और अगर विष्णु खरे ने उसे उठाया ना होता, और चूंकि मैं छत्तीसगढ़ में रही हुई थी तो उससे मेरा एक पर्सनल सा रिश्ता बना उपन्यास से, और उसमें मुझे बड़ा मैजिक रियलिज्म और सारी चीज़ें जो बहुत किक करती हैं आपको, बहुत नए ढंग का शिल्प लगा। तो उन्होंने कहा कैसा लगा, मैंने कहा बहुत अच्छा, अब लिखो उस पर। तो वो जो एक था, आग्रह था, जो चीज़ उन्हें पसंद आती थी वो चाहते थे दूसरे लोग भी उसे पसंद करें। यहाँ परवेज जी बैठे हैं, उनका उपन्यास आया, उन्होंने कहा अरे तुमने अभी तक ये ब्रिलियंट उपन्यास नहीं पढ़ा, तो मैंने कहा वाकई ब्रिलियंट है परवेज जी, मैं बता रही हूँ मेरा उनसे जो कॉन्वर्सेशन हुआ। तो उन्होंने कहा ब्रिलियंट तुम बाद में तय करना, पहले तुम उसे पढ़ो और बताओ वो तुम्हें क्या बताता है। जाहिर सी बात है उज्जैन पे लिखा हुआ एक अद्भुत सा इतना सुंदर उपन्यास था कि मैं देखकर, फिर उन्होंने कहा तुम लिखो इस पे, और लगातार इस तरह की बातें हुई। इसी तरह आज प्रचंड नहीं अविनाश बैठे हैं, प्रचंड प्रवीर एक युवा लेखक है, उसकी किताबों को उन्होंने कहा, प्रचंड से मेरी जान पहचान पहले से ही थी, लेकिन जब प्रचंड की किताब का लोकार्पण था तो प्रचंड भी जिद आ गया कि नहीं आपको करना। मैंने कहा अरे विष्णु जी कर रहे हैं उनके साथ मैं कैसे बैठूंगी मंच पे, नहीं करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। फिर विष्णु जी मिले, बोले क्यों कतरा रही हो, अच्छी लगी ना उसकी चीजें, खुल के बोलो। तो उन्होंने ये जो मेरे अंदर एक हौसला बढ़ा भरा, एक साहस भरा, और इसी में याद आता है एक मेरी कहानी है टोली, वो भिखारियों के ऊपर है। तो जनरली वो कहानी बहुत अननोटिस्ड गई और मुझे कोई उसका गिला नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऐसी कहानियों को बहुत तवज्जो नहीं दी जाती है। एक दिन वो कहीं पड़ी हुई थी ज्ञानपीठ के दफ्तर में, और कालिया जी ने किसी, जैसा वो किया करते थे कालिया जी, उन्होंने चुपके से उसको उठा के, मैंने कहा था वो कहानी नहीं छपेगी, उन्होंने चुपके से उठा के किसी विशेषांक में उसे छाप दिया, स्त्री विशेषांक में। विष्णु जी का फोन आता है मेरे पास, कहते हैं भाई सच बताओ तुमने ही ये कहानी लिखी है ना। मैंने कहा अरे
क्यों बोल रहे हैं आप? मुझे लगा कहेंगे कितनी खराब कहानी तुम। बोले ऐसे लड़कियों ने ऐसी भिखारियों के ऊपर तो कहानी नहीं ही लिखी, तुमने कुछ अलग काम तो जरूर किया। बस वो एंडोर्समेंट, वो कहना, मतलब ये सब बहुत हौसला अफजाई की बातें थी जो मुझे उनसे जोड़ती थी। और जहाँ तक एक पारिवारिक रिश्ता है, वो यहाँ बैठी हैं मिसेस खरे, अप्पू भी बैठे हैं, और सबको मालूम है कि कैसे घर आना जाना हम लोगों का लगा रहता था। और अभी मंजूर एहतशाम साहब ने एक फेसबुक पे असद जैदी साहब के जो उन्होंने ऑब्यूचरी लिखी, तो उस पर उन्होंने लिखा मंजूर एहतशाम साहब ने कि असद आई यूज टू कॉल हिम ईविल फेस। वो जो टर्म है वो मेरे घर में ही कॉइन किया गया था, क्योंकि जोरदार बहस हुई और उन्होंने कहा कि तुम समझते क्या हो एटसेट्रा एटसेट्रा, जैसे जोरदार लड़ाइयाँ होती थी। उसके बाद कहा कि ओ दिस मैन मंजूर एहतशाम, एकदम शांत रहने वाले, घबरा जाने वाले, लाल हो जाने वाले शख्स। और विष्णु जी एकदम खड़े हो गए और कहने लगे कि ये सब मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। और भी साहित्यकार थे जो अपनी अपनी स्थापनाएं रख रहे थे जो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी थी। तो विष्णु जी ने कहा यू आर सच अ यार यार, और गले लगाए और कहा सच एन ईविल फेस। और मुझे मतलब वो बात इतनी एंडियरिंग है, इतने प्यार से उन्होंने कहा कि तुम सबको सिर्फ गाली देते हो, झगड़ा करते हो, पर अंदर कितनी मोहब्बत। वही अतिरंजना की भी बात थी, तो वो तो इंसान है, कभी अतिरंजक व्यवहार भी करेगा और कभी एक नॉर्मल भी रहेगा। लेकिन जो लोग इन अतिरंजनाओं से भरे होते हैं, जैसे विष्णु जी थे, वे कितने अमीर होते हैं। दुख है कि वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनका इतना लंबा और इतना अमीर, इतना समृद्ध जीवन रहा है कि हम सब चाहें तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा उनसे, उनके जाने के बाद भी हमेशा अपनी यादों में शेयर कर सकते हैं और उन्हें बहुत अच्छे से याद करते हैं। बहुत कठिन काम है। विष्णु जी के जाने के बाद से इधर कई दिनों से मेरे साथ जो हो रहा है उसको शेयर करूंगा। जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति को आप अलग से याद करते हो, लेकिन उनके जाने के बाद से मुझे वो दिल्ली याद आ रही है बहुत। जब हमने लिखना पढ़ना शुरू किया था, और ये संयोग ही था कि उस समय हमारी मित्र मंडली में दो ही एक लोग थे जो विवाह करने के बाद दिल्ली बसने आए थे। मतलब मैं तो पहले से यहाँ था, लेकिन विवाह करने के बाद जो एक आपको परिवार मिलते हैं, उनमें से एक मेरा परिवार था, एक विष्णु जी का परिवार था, तो बहुत आना जाना था। बच्चे भी एक दूसरे को से परिचित हो गए थे, और यहाँ अप्रतिम बैठे हुए, इनको भी कई चीज़ें याद हैं, वो बहसें, वो झगड़े, अनंत, कोई हिसाब ही नहीं है, उनमें जाने का भी समय नहीं है। तो वहाँ से शुरू करके फिर देखिए कुछ ऐसा संयोग बना, संयोग ही कहूँगा, और ये कहूँगा मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि वही शब्द याद आ रहा है कि भाग्य में नहीं कहूँगा, मैं प्रिविलेज महसूस करता हूँ कि विष्णु जी से ऐसा एक संबंध संपर्क बना, क्योंकि उससे अच्छा कोई शब्द मुझे मिल नहीं रहा। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अनंत हैं वो, इनमें से एक को मैं नहीं भूलता और जो अंत तक हम दोनों के बीच बना रहा। आप में से बहुत लोग, हम दोनों से ही परिचित हैं, मुझसे भी उनसे भी थे ही, स्वभाव में हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। इस हद तक विपरीत कि सच पूछे तो इसे जो बहुत बहसें होने लगती थी और झगड़े होने लगते थे और बड़ी उत्तेजना हो जाती थी, तो मुझे घबराहट से शुरू हो जाती थी। और मेरे घर में तो ऐसी बहसें और ऐसे झगड़े इतने ज़्यादा हुए हैं कि एक दिन मेरी बड़ी बेटी ने कहा कि आप लोग क्या करते रहते हो 11 बजे, बहुत रात हो गई। और उन्होंने विनोद भारद्वाज से और कुछ और लोग थे, एक बड़ा एक झगड़ा सा मोल ले लिया। तो मैं इस बात को इसलिए याद कर रहा हूँ कि विष्णु जी के इतने पहलू हैं,
वो एक जगह पर सचमुच खुद अपने लिए भी बहुत कठिन व्यक्ति थे। लिखने पढ़ने का तो जो उनका है वो तो योगदान उनका जो है वो बराबर के लिए हो गया है, वो रहेगा, वो मिटता नहीं है, वो असल चीज है, अंत में तो वही असल चीज है। पर जो उनके साथ रहते हैं और जब तक रहते हैं तो वो थोड़ा बहुत तो जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये था क्या, हमने हमको क्या मिला, हमने क्या लिया। फिर संयोग ये भी बना कि हम साथ रहे काम करने की जगहों में, जब विष्णु जी सहायक संपादक हुए नवहारा टाइम्स के, फिर बाद में संपादक बने तब मैं वहाँ सहायक संपादक था। उसके अलावा दिनमान के दिनों से वो दिनमान में लिखते थे और दिनमान में उन्होंने ऐसी चीज़ें लिखी जिसकी कल्पना स्वयं दिनमान नहीं कर सकता था। अभी क्या हुआ, कुछ दिनों पहले की बात है, तो विष्णु जी ने मुझसे पूछा, यहीं आया इसी में हमारी भेंट होने लगी थी, बोले कि इन दिनों आप क्या कर रहे हैं। तो मैं कुछ बताया कि क्या लिख रहा हूँ, क्या अनुवाद कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा आपको जानकर अच्छा लगेगा कि मैं मोहम्मद रफ़ी की एक जीवनी का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ एक प्रकाशक के लिए। तो थोड़ा हंसे हो और मैंने कहा देखिए उसको स्वीकार करने के पीछे कहीं आप भी हो, ये जो असाइनमेंट मैंने स्वीकार किया। क्योंकि जब मैंने वो असाइनमेंट स्वीकार किया तो मुझे याद आई कि कैसे बड़ी एक बहस के बाद दिनमान ने मोहम्मद रफ़ी पर विष्णु खरे का लेख छपाया। और वो मैंने कहा देखिए आप, बोले तुमको याद है, मैंने कहा उसी उस याद के कारण ही मैंने असाइनमेंट स्वीकार किया। तो फिर मैंने कहा उस समय आपको भी अचंभा हुआ था, दिनमान जिस तरह का पत्र था वहाँ मोहम्मद रफ़ी, बट ही वॉज एबल टू कन्विंस रघुवीर जी को, उन्होंने कन्विंस किया। वो उस पूरी बहस का हिस्सा तो मैं नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत जानता था कि रघुवीर जी ने क्या कहा, विष्णु जी ने क्या कहा। तो ये जो उनकी दुनिया जिसके बारे में आप सभी लोग बोल रहे हैं वो बहुत बड़ी थी, उसको हम लोगों ने देखा है, उसको बड़ा कर कैसे उन्होंने अपनी उस दुनिया को बड़ा बनाया था, उसमें पुरातत्व भी शामिल है, उसमें इतिहास जिसको अशोक जी याद कर रहे थे। तो ये जो हम लोगों के तीन चार परिवार थे उस समय, जैसे अशोक जी का परिवार था, मेरा परिवार था, विनोद भारद्वाज का था, हम लोगों की मंडली अलग अलग, श्रीकांत जी का परिवार था, श्रीकांत जी भी एक दूरी थी हम लोगों के बीच में, उस जमाने की याद कर रहा हूँ क्योंकि वहीं से फिर यादें शुरू होती हैं। फिर वो उनके साथ कुछ बहुत विचित्र चीज़ें भी हुई हैं, जैसे वो श्रीकांत जी से बहुत उनका गहरा रिश्ता था, एक तरह से लड़ने झगड़ने वाला भी गहरा रिश्ता था, हम लोगों से भी था। विष्णु जी ने कृति में नहीं लिखा जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तो उनके कल्पना में था, कल्पना में विष्णु जी ने नहीं लिखा, तो उनकी कुछ अपनी चीज़ें अपनी तरह से चलती रहती थी जो बाद में याद आती है। अब इस लंबे समय में 50-55 वर्षों के समय में हिंदी साहित्य की, सोम ने भी याद किया, पत्रकारिता की दुनिया है, उनका खुद का पत्रकार होना है, उनका लिखना पढ़ना है, उनका अनुवाद करना है, उनका बोलना है इसी दिल्ली में। तो दिल्ली अब ये भी देखिए एक तरह से तार्किक है, तार्किक मैं नहीं जानता, लेकिन दिल्ली में ही वो आए, दिल्ली में रहे, दिल्ली में उन्होंने इतने तरह के हस्तक्षेप किए लोगों, और फिर वो अंत में हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष बने। कामकाज के बारे में हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे। एक चीज और याद बहुत ज्यादा ध्यान मेरे आ रही पिछले कई दिनों से कि ये भी देखिए, तो अशोक जी बैठे हुए हैं, मैं और विष्णु जी, तीन लोगों की वो कई अर्थों में सब ऐसी हैं। विष्णु जी मुझसे 3 महीने बड़े थे, अशोक जी का भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। बाकी जो मेरे मित्र थे, घनिष्ठ मित्र, जिसमें विष्णु जी भी कभी शामिल हुए कभी नहीं हुए, अशोक सक्सरिया, महेंद्र बल्ला, जितेंद्र कुमार, श्रीकांत जी तो थे ही उस समय, हमें कमलेश जी। अब इस मित्र मंडली के बीच में अलग अलग मित्रों का रहना, और उसमें भी एक मित्र मंडली में भी अलग अलग कुछ बन जाते हैं, जिसको आप यही कह सकते हैं कि एक तरह के उप सब ग्रुप बन गए कि दो लोग इसमें ज़्यादा निकट हैं और तीसरा उतना निकट नहीं है, चौथा उतना निकट नहीं है, पर सब एक दूसरे के घेरे में हैं। और उस ऊर्जा की भी बात मुझे याद आती है, पीढ़ी याद आती है। तो होता यह था कि अब मैं इसका अनुभव कर सकता हूँ
देखो क्या चीज़ है जो पर्दा डाल देती है युवा दिनों की ऊर्जा, बहुत पर्दा डालती हो, मैं इसका अनुभव करता हूँ। एक दूसरे जिनसे आप बहुत घनिष्ठ हो उनको भी वो ठीक से समझने नहीं देती, क्योंकि वो आपका भी कुछ अभिमान है, आपका भी कोई ईगो है, आत्मसम्मान है, दूसरे का भी है, उसका भी इतना ईगो है, वो बहुत टकरा देते। सत्संग सुनाने का अवसर दी, फिर भी एक रात मुझे नींद भूलती, विष्णु जी मैं और महेंद्र भल्ला जिनसे उनका इतना घनिष्ठ संपर्क नहीं था मेरा तो बहुत था, महेंद्र जी की पत्नी कहीं गई हुई थी तो मैंने कहा कि रात हो गई तुम लोग यहीं रह जाओ, मुझसे तो नहीं, क्योंकि मैं तो विष्णु जी झगड़ा नहीं करता था। हमारा ये बहुत अद्भुत चीज़ है, अपने लिए मैं कह सकता हूँ कि मैं शायद उन अपवादों में से हूँ जिनको विष्णु जी ने बराबर बख्शा कि ये बख्शने लायक है। तो ये और मुझे ये भी लगता है मुझे और वो तो मेरे लिए बल्कि मैं सोच कर देखता हूँ तो बड़ा प्रोडक्टिव भाव था उनका, इसको प्रोटेक्ट करना है अब तो, और क्योंकि वो देख पाते थे कि सारे झगड़े में ये तो बिल्कुल कुछ घबराया जा रहा है, तो महेंद्र से उनका भयंकर झगड़ा हो गया। अब रात को रहना वही है तो आंगन में, उन दिनों की दिल्ली असल बहुत दूसरी थी, मोबाइल नहीं, फ़ोन नहीं, कहीं पहुंच गए कहीं भी खा लिया, कहीं भी पी लिया, कहीं भी वो फिर बहुत आनंद है, वो कहाँ चला गया, लेकिन उससे हम लोग जो मिला हम ही जानते हैं, उसको मैं शेयर नहीं कर सकता, कहकर भी नहीं कर सकता, वो तो बोर्ड की तरह है। और वो जो भीतर चला गया उस तरह के सत्संग से एक अलग कहानी है। बहरहाल अब वो सुबह उठे तो फिर उठना ही है, फिर से आपको चाय पीनी है। तो इस घटना की मैंने इसलिए याद की कि ये बराबर लगातार उन दिनों होता था, एक मुझको छोड़ करके कि झगड़ा हो गया। एक दिन हमारे यहाँ भारत संग भयंकर झगड़ा हो गया और 3 दिन बाद हम लोग क्या पाते हैं कि मुझे तो अचंभा भी हुआ कि विष्णु जी दिनवान के दफ्तर में आए जहाँ हम सब लोग एक हॉल में बैठते थे और सबसे पहले वो मेरी ओर भी नहीं आए, किसी की ओर नहीं आए, और वो विनोद जी के मेज के सामने बैठ गए। पता नहीं जहाँ तक ध्यान पड़ता है ऐसा ही कुछ था, टोपी शायद तब्दील होने पहनी हुई, उसको उतारा और ऐसे बैठे रहे विनोद जी एकदम चुप, बोले क्या नाराजगी भाई। तो उसका फिर ऐसे आनंद दृश्य हैं, मुझे पर्दा लगने वाली बात कही मैं तो मैंने कभी और भूल समझ बैठा हूँ विष्णु जी को उस जमाने में, लेकिन एक तरह का उनके प्रति प्रेम और ये कह सकता हूँ कि ये कि नहीं इस व्यक्ति में कुछ है, वो भान मेरे मन से कभी नहीं है। अभी ओम चूंकि याद कर रहे थे जनसत्ता के दिनों की, तो एक घटना सुनाता हूँ आपको, संस्मरण नहीं है वो, तो मॉर्कल पर जो उन्होंने टिप्पणी भेजी थी आपको याद होगा, तो वो इतनी अच्छी लगी मुझे कि मैंने विनोद जी उनको विष्णु जी को एक मेल भेजा कि आज मैं चकित हूँ कि आप इतनी सुंदर टिप्पणी, ऐसा गद्य। तो वहाँ से उनका मेल से जवाब आता है कि अरे आज आपने मेरा दिन बना दिया और मैं तो यहाँ अकेला हूँ, बेटी के यहाँ आया हुआ हूँ, पर आपका ये मेल मिला तो मैं बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ आ गया। तो हमारे बीच ऐसा कुछ चलता रहता था। तो यही कह सकता हूँ कि उन सारे दिनों से, उन वर्षों से, 50-55 वर्ष का साल है ये, समझिए 67 से लगा करके 68 से लगा करके अब तक का, और उन्होंने मैं तो अभी तक उन पर नहीं लिख पाया, बहुत कठिन काम है, लेकिन लिखूंगा कभी न कभी, उन्होंने मुझ पर लिखा है। और जब कविता संभव आया मेरा पहला ही संग्रह, तो मुझे याद है टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग के सामने विष्णु जी मिले और बोले कि किताब उन्होंने दिखाई कि आप किताब है मेरे पास आज एंड इट्स एन एटेबल बुक, वो वाक्य उनका मैं नहीं भूला, उनको बड़ी सुंदर लगी। और जब आलोचना छपी तो आप समझ ही सकते हो कि काफ़ी बख्शा उन्होंने मुझे, और उस किताब की एक रिव्यू अशोक जी ने की थी, एक विष्णु जी ने की थी। इस बात की भी याद इसलिए कि ये हमारा जो साथ था, आखिरी बात अशोक जी ने ही वो आयोजित की थी एक सभा साहित्य अकादमी में, तो उनका नाम नहीं लूंगा, एक संगीत की विदुषी, और उन्होंने
ये कुछ कहना शुरू किया कि देखिए यहाँ लोग बात कर रहे हैं संगीतकारों की कि उनके आपसी झगड़ों की और वगैरह वगैरह, और मुझे तो लगता है कि कवियों में से जब यहाँ इनके तो बड़े भयंकर झगड़े होते हैं और ये तो बाहर निकलते हैं दूसरे के बारे में कुछ कुछ भूलने लगते हैं, तो मैं से नहीं रहा गया, तो मैंने कहा कि ये आपसे कैसे, आपने कैसे जान लिया कि हम खाली झगड़ते हैं और एक दूसरे की निंदा करते हैं, आपको कुछ पता भी है? तभी विष्णु जी वही अपनी सीट पर बैठे बैठे हंसने लगे, फिर मुझसे बोले कि ये आपको क्या सूझी? मैंने कहा हमको सूझी कि हम उसके गवाह हैं, ऐसा थोड़े होता है, और हम जानते हैं कि साहित्य की दुनिया क्या है और उसमें सत्तर ही चीज़ें होती हैं, हमारे आपके बीच में भी हुई हैं। तो अब मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें याद करता जा सकता हूँ, अभी विराम लेता हूँ और फिर से इसको दोहराता हूँ, दोहराने में बहुत विश्वास करता हूँ, दोहराने से चीज़ें याद रहती हैं कि वो जो प्रिविलेज मुझे मिला विष्णु जी का मित्र होने का, पारिवारिक मित्र होने का, वो उसको मैं अपनी बड़ी संपत्ति मानता हूँ। मैं हिंदी के टिप्पणीकार और कथाकार आलोचक प्रियदर्शन जी से आग्रह करता हूँ कि वे आए और अपनी कुछ बात रखें। प्रियदर्शन जी, दफ्तर से निकल के लगभग भागा भागा आ रहा हूँ और आते आते बड़ा अफसोस सा लग रहा था, रघुवीर साहब की कविता याद आ रही थी। कविता तो ठीक से याद नहीं, उसका शीर्षक था शोक सभा को जाता था वो लपका लपका। तो मुझे लगा कि क्या करूँ, लेकिन शायद विष्णु खरे के न रहने का दबाव था और उनके साथ दो चार बातें अपने साथ जुड़ी होने का जो संयोग, लगा कि उसको साझा करना ज़रूरी है। कवि के तौर पर और उनके दुर्वासा होने को लेकर बहुत सारी बात कही जा चुकी, उनकी पत्रकारिता को लेकर मुझे लगता है कि शायद 80 और 90 के शुरुआती का के दशकों का जो शुरुआती दौर था वो हिंदी की बौद्धिक तेजस्विता का पत्रकारिता में शायद सबसे उर्वर दौर था, हो सकता है राजेंद्र माथुर की वजह से, लेकिन उन दिनों का जनसत्ता भी नवभारत टाइम्स की बराबरी नहीं करता था। प्रभाष जोशी जी के शुरू के दिनों का जनसत्ता अपनी खबरों के लिए, अपने तेवर के लिए जाना जाता था, वो सरकार से और सबसे भिड़ने के लिए जाना जाता था, वो अपने नए प्रयोगों के लिए जाना जाता था, लेकिन अपनी बौद्धिक सांस्कृतिक चेतना के लिए, मतलब जो नवभारत टाइम्स की टीम थी जिसमें विष्णु खरे थे, जिसमें राजन माथुर थे, जिसमें प्रयाग जी थे, राजकिशोर थे और बहुत सारे लोग थे, उन्होंने एक ऐसा अखबारी मानस बनाया जिसके तहत हम तमाम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हो गए। मतलब मेरी जो मानसिक बुनावट है उसमें बहुत सारा श्रेय नवभारत टाइम्स के उन शुरुआती दिनों में पढ़े हुए लेखों का है और उसमें कई लेख विष्णु खरे के भी हैं। एक बात तो ये, जब मैं दिल्ली आया 93 के आसपास तो पता चला कि दफ्तर के नवभारत टाइम्स के दफ्तर के जूनियर लोगों में विष्णु खरे बहुत अलोकप्रिय हैं, उनको कई लोग विषाणु खरे बोलते हैं। ऐसे विषाणु खरे बोलने वाले दो लोगों से मेरी परसों भेंट हुई, या पता नहीं वो बोलते थे या नहीं बोलते थे, लेकिन वो उसी ग्रुप में थे। एक ने मुझे कहा कि प्रियदर्शन जी क्या बताऊं, वो तो कई बार मुझे राजेंद्र माथुर से बड़े लगते थे, अब वो चूंकि अकेले संपादक नहीं बन पाए ग्रुप के, नहीं तो उनका नाम शायद राजेंद्र माथुर और प्रभाष जी के बाद हिंदी पत्रकारिता में एसपी से ऊपर तीसरे नंबर पे होता। एक बात तो ये कही। दूसरी, हमारे दोस्त थे नीरेंद्र नागर, नवभारत टाइम्स में वर्षों उन्होंने काम किया, तो उन्होंने कहा कि वो एक कॉलम लिखते हैं व्याकरण और भाषा को लेकर, अंग्रेजी शब्दों की शुद्धता और हिंदी शब्दों को लेकर। उन्होंने कहा कि इसकी प्रेरणा उनको विष्णु खरे से ही मिली थी, क्योंकि अचानक वो डेस्क पे आते और कोई एक शब्द बता जाते जो हम तमाम लोग गलत ढंग से लिखते थे। तो मुझे लगा कि इस पे काम करना चाहिए। कहा कि बरसों बाद, 10-20 बरस बाद, अब वो लगातार लिख रहे हैं, लेकिन उनको याद है कि कभी इसकी प्रेरणा विष्णु खरे से मिली थी। दो तीन बातें, जब मैं अनुवाद कर रहा था, शायद 95 की बात है, मिडनाइट चिल्ड्रन का, तो उस अनुवाद में मैं कई जगह फंसा था कुछ शब्दों को लेकर, तो मैंने दो तीन लोगों से बात की थी और एक बार विष्णु खरे से बिल्कुल अपने अपरिचय के बावजूद मैंने उनको फ़ोन किया कि आपसे कुछ मदद चाहिए अनुवाद में, उन्होंने तुरंत घर पर बुला लिया। उस घर जाने को लेकर कविता भी मैंने लिखी जो बाद में आखिरी में जल्दी जल्दी सुना दूंगा मैं उसको, लेकिन वो उन्होंने करीब घंटे भर मुझे लगातार अलग अलग शब्दों के बारे में क्या उसके विकल्प हो सकते हैं ये बताया। एक बार वो मुझ पर भी नाराज हुए थे, वो किस्सा दूसरा है जो कभी बाद में, लेकिन वो मुझ पर दो बार बड़े खुश हुए। एक अवसर था जब वो मैंने उनकी किताब की काल और अवधि के दरमियान आई थी वाणी प्रकाशन से, उसकी रिव्यू की थी,
और समीक्षा के बाद उनका फोन आया कि मैं क्या कहूं, मैं वही कह सकता हूं जो रघुवीर साहेब ने मुझे तब कहा था जब 20 साल पहले मैंने उनकी किताब की रिव्यू की थी। तो मैंने पूछा क्या कहा था उन्होंने, तो विष्णु जी ने कहा कि उन्होंने कहा था कि तुमने जब 95 नंबर दे दिए तो 5 क्यों काट लिए। तो मैंने हंसते हुए कहा कि 5 नंबर आपको काल दे देगा। उनकी कविताएं पढ़ते और सारी चीजें, मतलब उनको लगातार जो हम लोग देखते सुनते रहे हैं, उनके बारे में नया कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार मुझे लगता था कसौटियां बहुत कड़ी कर लेते थे, मतलब हालांकि बहुत उदार भी हो जाते थे, और शायद मेरी जिस प्रति जो उनकी नाराजगी थी, कभी मैंने किसी कवि के बारे में उनकी टिप्पणी का मजाक बनाया था कि इतने उदार वो कैसे हो सकते हैं, और तो ये उनको पता चल गया। उन्होंने मुझे बहुत सख्ती से कहा तुम होते कौन हो बोलने वाले, तो मैंने भी कुछ ऐसा ही, मुझे याद नहीं क्या कहा था, लेकिन मुझे अचानक राजकमल चौधरी के बारे में धूमिल की लिखी कविता याद आ रही थी, जो राजकमल चौधरी पे लिखा था, कि अब मैं ठीक से शब्द याद नहीं कर पा रहा हूँ, उसे जिंदगी और जिंदगी के बीच कम से कम फासला रखते हुए जीना था, यही वजह है कि वो एक निगाह में हीरा आदमी था तो दूसरी निगाह में कमीना था। तो ये धूमिल ने राजकमल चौधरी के बारे में लिखा था। मुझे लगा कि विष्णु खरे को कई लोग शायद इसलिए ना पसंद करते थे कि उनकी दी हुई कसौटियों पे वो खरे नहीं उतरते थे, अचानक वो अपने आप को अपर्याप्त पाते थे, इससे उनसे डरते भी थे, उनके सामने जाकर बोलने में परेशान होते थे। आखिरी बात जो मैं बस खत्म कर रहा हूँ, छोटी सी क्या, 2 मिनट लगेगा उस कविता में, मैं उनके घर गया, मैं दिल्ली से नया नया आया था, लेखक बहुत बड़ी चीज होता था मेरे लिए, पता चला कि विष्णु खरे विष्णु नागर आमने सामने रहते हैं। मैंने कई बरस बाद दोनों को मिला के कविता लिख दी, उस कविता पे हाइडलबर्ग में थे विष्णु खरे उन दिनों, उनका फोन आया कि अरे यार तुमने तो कमाल कर दिया। वो कविता बस मैं सुनाकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। कविता सुनाने का बहुत मोह नहीं है मेरे भीतर, लेकिन वो कविता चूंकि उसका वास्ता विष्णु खरे और विष्णु नागर से था, और अब वो कविता बेमानी हो गई, अचानक मुझे ख्याल आया कि उनका घर जिसके बारे में कविता थी वो घर ही छूट गया, वो दिल्ली लौट कर आए और दोबारा दिल्ली में जिस तरह गुजरे अकेले एकांत में, वो हम सबके लिए बड़ा मर्म भेदी है। तो वो कविता थी आमने सामने कवि, आदरणीय विष्णु खरे और विष्णु नागर से क्षमा याचना सहित। बहुत मुमकिन है आप एक की उम्मीद कर रहे हो और दूसरा निकल आए, आखिर दोनों बिल्कुल आमने सामने रहते हैं, और ऐसी चूक तो हो ही सकती है कि सोसाइटी के दरबान के समझाने के बावजूद आप ठीक से समझ न पाए कि बाएं वाला या दाएं वाला फ्लैट विष्णु नागर का है और आप विष्णु खरे के घर की घंटी बजा दें। ये जानकर कि नागर से मिलने की कोशिश में आप खरे के घर चले आए हैं, विष्णु जी की क्या प्रतिक्रिया होगी मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता, क्योंकि उनकी प्रतिभा विदग्धता और उनके वाक चातुर्य का लोहा सब मानते हैं, और मैं भी कायल रहा हूं उनकी प्रखर टिप्पणियों और उनसे भी प्रखर उनकी कविताओं का। आप ध्यान देंगे कि मैं इस कविता में भी उनकी शैली की नकल करने की कितनी नाकाम सी कोशिश कर रहा हूं। बहरहाल मैं आपकी जगह हूं तो विष्णु जी की डांट सुनकर भी पुलकित हो जाऊं कि देखो हिंदी के दो कवि बिल्कुल आमने सामने रहते हैं। यह पुलक इस बात से कम नहीं होगी, शायद कुछ बढ़ ही जाए, कि विष्णु जी डांटे नहीं सीधे बता दें कि सामने वाला घर नागर का है, या फिर हंसते हुए बोलें कि मैं तो कवि हूं संपादक कवि सामने रहते हैं। वैसे दो कवि आमने सामने रहते हैं, इसमें कोई काव्यात्मक संभावना, दिल्ली के बहुत सारी कॉलोनियों में एक साथ रहते बुद्धिजीवियों कवियों और कथाकारों को एक बेतुकी सी चीज लग सकती है, मेरी तरह के सामान्य पाठक को फिर भी यह तथ्य लुभाता है इस बात से बेखबर कि दोनों कवियों में कौन बड़ा या वरिष्ठ है, इस बात से बेपरवाह कि कई आलोचक और पाठक जिनमें शायद मैं भी शामिल हूँ विष्णु नागर और विष्णु खरे के नाम और पड़ोस के साम्य के अलावा कोई और साम्य दोनों में न देखते हैं। धीरे धीरे मेरे भीतर यह सवाल भी उभरता है क्या यह कवि पड़ोस आपस में बतियाता होगा, या अपनी पकाई सब्जियां एक दूसरे के घर पहुंचाता होगा, या चाय पत्ती या चीनी घट जाने पर एक दूसरे से मांगता होगा। हालांकि अब के जमाने में रिवाज भी बीते जमाने की चीज हो चुका है, लेकिन संभावना की तरह तो यह अब भी शेष है, और मैं दोनों कवि पत्नियों से अपने नाकुश परिचय से कहीं ज्यादा अपनी सहज बुद्धि से कल्पना या कामना करता हूँ कि दोनों के बीच कवियों की तुलना में कहीं ज्यादा आत्मीयता रही होगी या साझा होगा। मैं ये भी सोचता हूँ कि जब सोसाइटी बन रही होगी तब आसपास रहने की संभावना क्या इन दो कवियों को करीब लाई होगी, क्या तब अपना अपना छिंदवाड़ा या शाहजहापुर पीछे छोड़ते हुए विस्थापन की कोई हल्की सी कचोट इनके भीतर होगी कि ये इरादा कि एक दिन यमुना पार के इस मयूर विहार को छोड़कर
वे अपने पुराने मोहल्लों और घरों में लौटेंगे, या ये राहत की दिल्ली में अब इनके सरों पर एक छत है जो ढलती हुई उम्र में इनका आसरा बनेगी, या ये अफसोस कि अब इनके बच्चे उस बेगाने और बेवफा शहर को इस बेगाने और बेवफा शहर को अपना घर मानेंगे, उन छूटे हुए शहरों के बदरंग होते घरों को नहीं जिनमें उनका अपना बचपन कटा और जहां से वे इस लायक बने कि दिल्ली तक आ सकें, या ये दोनों के विस्थापित कवि जब अपने घरों का बनना देख रहे होंगे, या ऐसे या इससे मिलते जुलते कई एहसासों में आपस में साझा करते होंगे, या फिर यह कि व्यक्तियों और पड़ोसियों के तौर पर कभी बेहद सहज और आत्मीय रहे लोग क्या कवि होने की महत्वाकांक्षा या एक ही संस्थान में नौकरी करने की मजबूरी में कभी एक दूसरे से टकराए होंगे और फिर धीरे धीरे इतनी दूर निकल आए होंगे कि आमने सामने घर में होने के बावजूद कभी साथ चाय न पीते हों, या फिर यह कि आपसी समझ ने दोनों के बीच रिश्ता को कायम रखा होगा जिसमें कभी कभार मिलने की औपचारिकता भी निभा लेते होंगे लेकिन पुरानी आत्मीयता शेष न हो। बहरहाल दो लोगों के बेहद निजी जीवन में घुसपैठ की यह कोशिश कई और सवालों को आरक्षित नहीं कर सकती। मसलन दिल्ली में किसी को क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि कौन कहाँ रहता है, भले ही वह कविताएं लिखता हो और उसके संग्रह में कुछ कविताएं ऐसी हों जो अपनी मार्मिकता में जीवन को हमारे लिए कुछ ज्यादा सुंदर और संभावनापूर्ण बनाती हैं, या फिर यह कि दो कवि सिर्फ कवि नहीं होते व्यक्ति भी होते हैं और उनके जीवन में कविता के अलावा भी सरोकार होते हैं, और किसी बाहर वाले का इसके बारे में विचार करना जितना अशालीन है लिखना उससे कहीं ज्यादा उद्धत है, या फिर यह कि समाज में कवि भले रहते हों कविता की जगह कम हो गई है, शायरों की दिल्ली में टायर ज्यादा दिखने लगे हैं। हालांकि इस पंक्ति का वास्ता शरद जोशी के शायर टायर वाले लेख से नहीं जमाने की बदलती सच्चाई से है जिसमें कॉलोनियों में जितने लोग नहीं दिखते उससे ज्यादा गाड़ियां दिखती हैं, या फिर यह कि कभी पड़ोस मेरे यहाँ सैकड़ों मील दूर वे एक दूसरे के करीब होते हैं तब भी जब वे एक दूसरे की प्रतिभा या प्रसिद्धि या रचना से जलते हैं, लेकिन यह जलना भी शायद कहीं बेहतर लिखने की कविता लिखने की इच्छा का नतीजा होता है, या फिर यह कि वक्त इतना बदल गया है कि बस्तियों में रहकर भी हम अपने अपने उजाड़ों में रहने को अभिशप्त हैं, कॉलोनी में हम चौकीदारों की ज्यादा परवाह करते हैं कवियों की नहीं। वैसे उदास करने वाले ख्याल और भी हैं, उदास करने वाली सच्चाइयां भी, जैसे सिर्फ संवाद नहीं है, सब्र नहीं है, समय और भी नहीं है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के बीहड़ में लहूलुहान पांव और दिमागों में धंसे कांटे निकालने के लिए भी नहीं, पीछे मुड़कर देखने के लिए भी नहीं, किसी का हाथ थामने किसी की बात सुनने के लिए भी नहीं। ऐसे सुनसान में क्यों मैं पड़ोस में रह रहे दो कवियों के बहाने अपनी तरह की एक दुनिया की कल्पना करने में लीन हूँ, इस आरक्षित समय में जो जहाँ हो अच्छे से रहे, बस हम इतनी ही कामना कर सकते हैं। दो कवि अच्छी कविताएं लिखते रहें, अच्छे पड़ोसी बने रहें, और कोई गलती से सामने वाले की घंटी बजा दे तो उसे बैठकर दो मिनट बात भी कर लें। धन्यवाद। मैं हिंदी की कवित्री अनामिका जी से आग्रह करूँगा कि वे आए और अपनी बात रखें। दोस्तों, मैं पुनश्च की तरह आई हूँ, अचानक आई हूँ और ध्यान से आप सबको सुन रही थी, तो मुझे प्रियदर्शन जी की कविता सुनते हुए ये लग रहा था कि दो व्यक्ति आमने सामने इनके भीतर भी रहते थे, दो विष्णु थे, प्रभु विष्णु थे। संस्कृत का एक मुहावरा भी याद आ रहा था, राग द्वेष पीड़ित, जो राग द्वेष के अतिरेकों में जीता है उसके भी भीतर पीड़ा होती है, कोई तो पीड़ा होती है, व्यष्टि परक नहीं समष्टि परक भी, जो वो काल मेघ की तरह हो जाता है, जो वो ठठेरे की तरह हो जाता है, जो उस जनरेटर की तरह हो जाता है, जो बड़े तंबुओं में लगते हैं और उनके पास जो तार होते हैं वो उनमें करंट भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, लेकिन क्यों आता है ये समझना ज्यादा जरूरी है। वो धारकता, वो विद्युत का अद्भुत प्रवाह जो कुछ करना चाहता है, जो प्रकाश बिखेरना चाहता है, जो वो थोड़ा विद्युत तरंग अगर दे भी दे, करंट अगर दे भी दे, तो वो समझना चाहिए कि कोई ऑसबॉर्न के नायक की तरह हो जाए, कोई पिंटो की तरह हो जाए, तो क्यों हुआ? उसके भीतर एक महास्वप्न पल रहा है और वो स्वप्न पूरा नहीं हो रहा, या बचपन में कोई चोट लगी है,
या क्या हुआ है जाने, लेकिन कोई महास्वप्न तो है ही और प्रकाश बिखेरने का जज्बा भी है और चाहता है कि हर घर में बल्ब जले, हर मन में बल्ब जले। तब थोड़ा बहुत करंट भी लग जाता है तो कोई बात नहीं, और प्रलय मेघ में द्रावकता भी होती है, एक नया संसार रचने का मादा भी होता है, क्योंकि प्रलय न हो तो नई सृष्टि भी नहीं होगी। मैं इनसे मिलने के पहले से उनको जानती हूँ कि मेरे पिता और ये चेकोस्लोवाकिया में एक साथ थे, एक लंबे प्रवास में ये थे, और उन दिनों मैंने अपने पिता के मुंह से इनके बहुत ऐसे संस्मरण सुने हैं जो इनकी द्रावकता उजागर करते थे। उसके अलावा केरल में और एक आध जगह और मैंने उनके भीतर का शिशु भी देखा है, एक अनुवादक के रूप में, एक चिंतक के रूप में। इनका आयाम जितना बड़ा था और इनकी दृष्टि जितनी पैनी थी, उसका पता उसमें, जैसे खुरदुरे अनुवाद आजकल प्रचलन में है, वेनुति वगैरह कहते हैं कि अनुवाद को अनुवाद की तरह नहीं होना चाहिए, खुरदरा होना चाहिए, उससे उसका ठस्सा बना रहता है मूल भाषा का। इसी तरह की भाषा में इतनी मार्मिक कविताएं लिख पाना, जैसे सांभवती, जैसे लालटेन जलाना, ये उनके वश में ही था। उन्होंने इतने अंधड़ों के बीच भी सबके भीतर एक लालटेन जलाने की प्रक्रिया शुरू की, और पूर्वापर अनुभवों की लालटेन उठाकर उन्होंने जीवन के बृहत्तर सत्य समझने की कोशिश की, और समझे भी बहुत हद तक। इसके लिए हमेशा हम उनके कृतज्ञ रहेंगे। वो जिस तरह के, मैंने अंतिम जो मुलाकात मेरी उनसे हुई थी केरल में, उस समय उन्होंने कहा था कि मैं कैंची लेके महाभारत के साथ बैठा हूं अनामिका, और मैं चाहता हूं महाभारत रीराइट करना, मैं चाहता हूं, जो उन्होंने कहा था उसका सारांश ये है कि वह एक इंटरटेक्चुअल संवाद, मैं एक अंतःपाठीय संवाद चाहता हूं महाभारत से। तो जिसके जितने बड़े सपने होते हैं उसके दुख भी उतने ही बड़े होते हैं, और अगर दुख के कारण कोई सात्विक रोष में रहता है तो ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कुछ है जो उनको चुभ रहा है। समाज जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं है, इसलिए उन्हें खुद भी करंट लग रहा है। और जैसा ऑस्कर वाइल्ड कहते थे, ईच मैन किल्स द थिंग ही लव्स, तो जो पास होंगे उन्हें ही झटके लगते होंगे, जो दूर होंगे उनके भीतर बल्ब ही जलते होंगे। वे 5 मिनट में अपनी बात रखें, क्योंकि अभी 6:30 बजे से रजा फाउंडेशन का आज कविता का कार्यक्रम है। अब मैं मंगलेश डबराल जी से आग्रह करता हूँ, वे आए और अपनी बात रखें। आदरणीय मंगलेश डबराल जी, ये वो बर्टोल्ड ब्रेक्ट इनके विष्णु खरे के बहुत प्रिय कवि थे, उनके उन्होंने बहुत अनुवाद भी किए, तो उनकी एक कविता है जिसका आशय यह है कि जब मैं तुमसे रुखाई के साथ और बिना तुम्हारी ओर देखे हुए बात करूं, तो तुम ये समझो कि मैं तुमसे बहुत लगाव रखता हूं और तुम्हारा बहुत हित चाहता हूं, तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूं। तो ऐसा लगता है विष्णु खरे ने इस पंक्ति को जैसे अपने जीवन और अपने स्वभाव में उतार लिया था। तो आमतौर पर वो लोगों से प्रेम से अब नहीं बोलते थे या बहुत देर बाद बोलते थे, तो जो लोग उनकी इस फितरत को नहीं समझ पाते थे वो उनके लिए उनकी बातें बहुत आहत करती थीं, और उनको लगता था कि ये बहुत रूखे, गुस्सैल और बदमिजाज और अपने ही फौज को रौंदने वाले हाथी और अबुल इन चाइना शॉप हैं। तो जो लोग इसको समझते थे वो लोग उनके बारे में ऐसी गलतफहमी नहीं पालते थे। मुझे याद है उनके साथ के संस्मरण अपार हैं, और मुझे नहीं लगता, मैं 2-3 घटनाएं सिर्फ सुनाता हूँ। एक बार 1971 की बात है, वो विष्णु जी चेकोस्लोवाकिया रहकर कुछ दिन आए थे और हम कुछ लोग उनसे बहस कर रहे थे, हम लोग उन दिनों नए नए कम्युनिस्ट थे। तो आलोक धनवा ने उनसे बहस करते हुए तंग आकर कहा कि क्या चेकोस्लोवाकिया में चिड़िया भी नहीं है? तो विष्णु जी ने जोर से मेज पर हाथ पटक कर कहा, हाँ चिड़िया भी नहीं है। तो बाद में ये पता चला कि
कि वह सचमुच समाजवादी देशों में फसलों को बचाने के लिए एक चिड़ियों को मारने का अभियान चलाया गया था और वहां चिड़िया मुश्किल से दिखाई देती थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि उनकी बातें तल्ख जाए मुझे जितनी भी लगती रही हूं उनमें कोई ना कोई सच्चाई होती थी। वो फुहड़ता के खिलाफ बहुत उग्र ढंग से वे प्रतिक्रिया करते थे लेकिन उसमें वो सच्चाई का अंश होता था कि ये है। तो ऐसी एक घटना और मुझे याद आती है कि एक बार ज्ञान रंजन जी ने मुझे फोन किया कि यार तुम विष्णु से पूछो कि अगर उसको पहल सम्मान हम लोग दें तो इनकार तो नहीं करेगा। तो मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा ज्ञान कौन होता है मुझे ये पुरस्कार देने वाला और उसकी उसकी ऐसी हिम्मत और उसने अभी तक चंद्रकांत देवताले को पुरस्कार दिया नहीं और उसको देने चला है। तो मैंने उनको ये उनसे कहा ज्ञान जी से तो अगले वर्ष अगले देवताले जी को ये पुरस्कार मिला। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं उनके साथ की हैं। एक बार क्या हुआ कि वीरेन नंगवाल को जब साहित्य अकादमी मिला तो कुछ लोगों ने बड़ा विवाद किया एक तकनीकी मुद्दे पर। तो वो उन दिनों विष्णु जी शायद जर्मनी में मीला के घर पर थे तो अपना उनके छोटी बेटी जो है तो वहाँ से उन्होंने मेल भेजा और ये कहा कि आप लोग जो टिप्पणी अगर आप लोग कोई लिख रहे हो कर रहे हो तो मेरी ये टिप्पणी जरूर शामिल कर दीजिए। और उसमें वीरेन नंगवाल की अत्यंत प्रशंसा की गई और उस निर्णय को बहुत अच्छा बताया गया। उसके कुछ दिन बाद प्रेस क्लब में एक मायावती और मुलायम सिंह यादव सपा और बसपा को लेकर बड़ी बहस हो गई बहुत झगड़ा हो गया। तो वीरेन से उन्होंने कहा कि तुम लोग मायावती के विरोधी हो दैट्स व्हाई यू पीपल आर ऑन द रन। तो इस पर काफी विवाद हुआ। फिर उसके बाद अगली बार जब हम लोग बैठे तो मैंने कहा कि मेरे साथ जो है वीरेन भी है तो उन्होंने कहा तो क्या हो गया वो बात तो आई गई हो गई वो बात तो खत्म हो गई। तो और उसके बाद जब वीरेन का निधन हुआ तो उन्होंने जो टिप्पणी लिखी उसमें ये लिखा कि वीरेन नंगवाल पहाड़ में पैदा हुआ सर्वश्रेष्ठ कवि है हमारा। तो ये विष्णु कहते हैं मतलब यानी मैं उनको इसी रूप में देखता हूँ। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने मेरी दो कविताएं चुरा ली हैं। मैंने कहा कैसे अब मुझे लगा कहीं मैंने क्योंकि उनके शिल्प का बहुत असर था मतलब बहुत ज़्यादा और तमाम लोग उनके शिल्प में लिख रहे थे लंबी लंबी पंक्तियाँ और ये सब। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने क्या हुआ तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हारे संगतकार और पागलों का एक वर्णन तुम अगर नहीं लिखते इनको तो मैं इनको लिखता और मैं तुमसे कहीं बेहतर लिखता। तो मैंने कहा सोचो ठीक है बिल्कुल इसमें कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि और उनकी उदारता और उनकी उनका गुस्सा दोनों मैंने झेला है। और मैंने एक बार हुसैन साहब को लेकर बहुत विरोध किया उनका बहुत ज़्यादा हुसैन साहब की उन्होंने बड़ी आलोचना की थी। तो फिर उन्होंने रविंद्र त्रिपाठी ने भी उनकी आलोचना में लिखा तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो तुम रविंद्र त्रिपाठी से लेख लिखवा रहे हो। मैंने कहा देखिए रविंद्र त्रिपाठी इतने मूर्ख नहीं है कि मेरे कहने पर लेख लिखे हो कोई। मैंने कहा आपको लोगों की अकल पर आपको भरोसा रखना चाहिए। तो खैर बहरा इस तरह घटनाएं हुई। आखिरी जो घटना थी कि मुझे उस समय पहले एक पुरस्कार मिला बम्बई में तो मुझे विष्णु जी का फोन आया तो उन्होंने कहा कि भाई इस पुरस्कार की जूरी की बैठक हो रही है और वो भी उस निर्णायक थे प्रमुख निर्णायक वही थे। तो कहा कि ये पुरस्कार फला कवि को दे दें। तो मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल दे दीजिए। कहा कि तुम क्यों नहीं दें। तो मैंने कहा भाई मैं कहीं उस पर नहीं हूँ और मैंने कहा ये कवि मुझसे कहीं ज़्यादा वरिष्ठ हैं और आप उनको दे दीजिए मुझे जो मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग अलग बात है। तो ये उन्होंने तब फोन किया जब वो निर्णय ले चुके थे कि वो पुरस्कार मुझे देंगे। तो ये जो उनमें इस तरह की वो थी प्रवृत्ति कि वो आप कुछ बताते नहीं थे कि आपसे वो कितना प्रेम करते हैं। इस तरह की बात अशोक जी खुद उदाहरण है इसके जिनसे उनके बहुत झगड़े हुए होंगे लेकिन बहुत प्रेम भी रहा उतना ही। तो कुछ लोग ऐसे थे जिनके उनसे बहुत विवाद हुए और लेकिन उनके बिना उनका काम भी नहीं चलता था। तो एक ऐसे दूसरी बात है कि मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ विष्णु करे के चार बड़े काम हैं जो कि अविस्मरणीय हैं। वो एक तो ये है कि उन्होंने कविता की भाषा को बदल कर रख दिया और ये उस समय की बात है सन 71 से जब उन्होंने टेबल नामक कविता लिखी थी दोस्त कविता और स्वामीनाथन को समर्पित जो एक कविता कोशिश जो कि मृत्यु के बारे में है। तो जब उन्होंने ये लिखा उस समय से ही कविता बदल गई और उन्होंने एक गद्य और निबंध
गद्य और निबंध के डिक्शन में कितना बड़ा मानवीय आवेग और कितनी बड़ी करुणा को पैदा किया जा सकता है। ये उन्होंने ये बताया कि इस रूखी भाषा के जरिए में यह भी संभव है। तो ये वैसा ही काम था लगभग जैसा एक समय में मराठी के दलित कवि नामदेव ढसाल ने मराठी कविता में किया था और उसको बदल कर रख दिया। तो विष्णु खरे के बाद वो कविता वो नहीं रही जो थी। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि हिंदी कविता को उन्होंने यूरोपीय देशों तक पहुंचाया और इस तरह कई संकलन हैं शुरू से लेकर के अंत तक, जिसमें शुरू में शायद ऑक्शन कार्ड या इस तरह का कोई संकलन निकला था वहाँ से शुरू करके और बाद बाद तक भी वो हिंदी कविता को जर्मनी या हॉलैंड वगैरह देशों तक पहुँचाते रहे। तो दूसरा उनका एक बड़ा काम यह है। और तीसरा बड़ा काम ये कि उनके माध्यम से, उनके अनुवादों के माध्यम से हमने जो है हंगरी के बड़े बड़े कवि मित्रोश राजनोति, जर्मनी गुंटर ग्रास, विंटर आइस, इन सब कवियों की कविताएं पढ़ी। और वो अगर नहीं होते तो ये सारे अनुवाद हमारे सामने नहीं आते। उनके अपार अनुवाद अभी तक अप्रकाशित पड़े हुए हैं। दरअसल उनका जितना प्रकाशित है उससे कुछ कहीं अधिक अप्रकाशित पड़ा हुआ है। और चौथा और एक और काम उनका ये था कि उन्होंने चंद्रकांत देवताले को एक हिंदी के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि के रूप में पहचान दी। आमतौर पर हमारी आलोचना बड़ी धंधई किस्म की छिटपुट, या तो आशीर्वचनों के फूल बरसाती है या कुछ बेडोल से पत्थर फेंकती रहती है। तो लेकिन उससे अलग हटकर उन्होंने एक कवि पर केंद्रित किया और चंद्रकांत देवताले के महत्व को बताया। वरना चंद्रकांत देवताले उज्जैन में पढ़े हुए थे, उनको कहीं अपनी भी परवाह नहीं थी। तो उनके माध्यम से चंद्रकांत देवताले एक जो आप लोगों की पीढ़ी अशोक जी प्रयाग जी आदि की इस पीढ़ी के एक अत्यंत प्रमुख कवि के रूप में उभर करके आए। तो मैं इन शब्दों के साथ जो है मैं अपने उनके संगतकारी मानता हूँ, इन शब्दों के साथ उनको याद करता हूँ। त्रिवेदी सर से आग्रह करता हूँ कि वे आए और अपनी बात रखें। सन 1975 में मिला तो लंबा परिचय, संपर्क, मैत्री जो भी कहा जाए रहा, लेकिन मैं कितना भागा कि मेरी उनसे एक बार भी झड़प भी नहीं हुई, झगड़ा भी नहीं हुआ, मैं घर आया भी नहीं गया। इसका क्या कारण है ये मैं आज जानना चाहता हूँ। एक ये है कि मैं इसके लायक नहीं था, स्पष्ट है। दूसरा एक और कारण है कि उनमें और मुझ में थोड़ा अंग्रेजियत का नाता था। जब मैं उनसे मिला पहली बार तो वो अंग्रेजी पढ़ाते थे दिल्ली के एक कॉलेज में और मैं एक दूसरे कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाता था, तो एक भाईचारा जैसा था। और आप जानते हैं कि अंग्रेजियत में न इतनी आत्मीयता होती है, न इतने झगड़े होते हैं, हिंदी में ही होता है। तो ये मुझे कारण समझ में आता है। अंग्रेजियत की उनके कुछ उदाहरण देता हूँ, मैं उसी पक्ष पर बोलूँगा। और सब लोग इतना कह चुके हैं, इतनी अच्छी तरह कह चुके हैं, मार्मिक रूप से कह चुके हैं। पहली बार जब मुझे उनका कहा पहला वाक्य जो मुझे याद है, प्रयाग जी याद कर रहे थे 1970 के दशक में हम सब लोग हिंदी वाले मंच में, मैं भी किसी तरह शामिल था उसमें, तो कनॉट प्लेस में इकट्ठा हो गए, उन गलियारों में बस चक्कर काटते रहते थे, उन जीतते जगमगाते गलियारों में नगाड़ा फिरते रहते थे हम लोग। तो एक बार 5-6 लोग थे हम लोग, तो विष्णु जी थोड़ा ठिठक गए और मेरी वहाँ पकड़ के अलग करके मुझसे एक बात बोले। तभी वो 2-3 साल चेकोस्लोवाकिया रह के आए थे और मैं 4 साल इंग्लैंड रह के आया था, तो ये एक और नाता बना। तो उन्होंने मुझसे कहा एक बात बताइए, वहां से आने के बाद यहाँ सब कुछ धुंधला धुंधला नहीं लगता है? अंग्रेजियत का ये मार्मिक वाक्य है कि वहां से आके यहाँ दूसरी अंग्रेजियत। उनकी क्रिकेट की जो कविताएं हैं, अशोक जी ने उल्लेख किया सिंगल विकेट सीरीज का, सिंगल विकेट तो चला भी गया लेकिन उस पर जो उन्होंने कविता लिखी है कि मृत्यु आती है, आप चाहे जितना कवच शब्द का इस्तेमाल किया है, पैड, तरह तरह के हेलमेट सब पहन के आप खड़े हैं और वो फास्ट बॉलर आता है, काला फास्ट बॉलर आता है जगमगाते स्टेडियम में और आपको एक आध बार बीट कर चुका है और आप बहुत ही आतंकित हैं और आशंकित हैं
कि वो बॉल आएगी आप देख भी नहीं पाएंगे, आपके स्टंप खड़खड़ा जाएंगे। दूसरी है कविता उनके क्रिकेट, मैंने इन दोनों का अनुवाद किया था करीब 20 साल पहले अंग्रेजी में, छपा भी था, कवर ड्राइव पर है। कवर ड्राइव की इतनी महीन पहचान, और कवर ड्राइव को भी उनकी रूपक वाली कविताएं ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन ये दोनों कविताएं रूपक में लिखी गई हैं कि कवर ड्राइव जिंदगी में आपकी जो अभिलाषा है कि आप बड़ी अच्छी तरह से कोई बात कर सकें, अच्छी कवर ड्राइव आप मार सकें, और नहीं होती, बार बार आप मारते हैं उतनी अच्छी कवर ड्राइव नहीं जा पाती है। इसको लेके डेढ़ पेज की कविता उन्होंने लिखी है। अंग्रेजियत का एक और उदाहरण देता हूँ, गालिब अकेडमी निजामुद्दीन में जो है उनका एक सालाना लेक्चर होता है, आज मैं उर्दू में ही एक सालाना लेक्चर उर्दू डिपार्टमेंट में लेके आया हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो विष्णु जी की बहुत याद आ रही थी। गालिब अकेडमी में जब उनको बुलाया गया तो मुझसे कहा गया सदारत करने को, हम दोनों लोग साथ साथ बैठे, लेक्चर उन्होंने क्या दिया कि मिर्ज़ा गालिब एक तरफ और दूसरी तरफ पुश्किन और खासकर विटमन, इनको लेके क्या बन सकता है, घंटे भर ये वही कर सकते थे। और पब्लिक को भी लगा, निजामुद्दीन आधी पब्लिक निजामुद्दीन की थी आधी और जगह से आई थी, तो पब्लिक को भी लगा कि क्या बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है इसमें। तो बैठे आके हम सबको लग जाता है कि लेक्चर कितना जमा कितना नहीं जमा, तो बैठे आके फिर मुझसे कहा जा रहा था बोलने को कुछ, तो मुझसे बोले ऐसे करके, धज्जियां मत उड़ाइएगा। ये उनमें एक भोलापन था, उनमें एक शिशु की बात की गई, उनमें एक छिंदवाड़ा वाला स्मॉल टाउन बॉय की वल्नरेबिलिटी थी। वल्नरेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, और अक्खड़पन और बांखपन और अकड़ ये सब तो था ही उनका, लेकिन वो जो भोलापन था ऐसा निकल के, नेहरू मेमोरियल में उनको एक फेलोशिप मिली। मुझसे क्या बोले, 6 महीने करीब हो गए थे उनको, बोले एक चीज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, आप जानते हैं आतंकित करने वाला बुद्धिजीवी वातावरण है वहां उनके फेलोस का, बोले एक चीज का मुझे लगातार ख्याल रखना पड़ता है, वो ये है कि हिंदी में हिंदी वाले को पहली बार मिला है मुझे, तो कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि अंग्रेजी वालों की धारणा और भी नीचे हो जाए हिंदी के बुद्धिजीवी। एक बार किसी पार्टी में, एक और पार्टी के उल्लेख में नहीं करूंगा, नामवर जी को जब उन्होंने कमीना कहा था, उनका प्रिय शब्द था, और नामवर जी को भी कहा था, और नामवर जी कहा था, नामवर नहीं कहा था, नामवर जी को बोलते हुए कहा था वो, खैर उसका उल्लेख आज नहीं करूंगा, विस्तार से बताने की बात है वो। लेकिन एक किसी और पार्टी से हम लोग आ रहे थे, मयूर विहार में वो, नोएडा में मैं, तो बोले आपको लिफ्ट दे दें, उनको पता था कि मेरे पास सवारी नहीं है उस दिन, उन्होंने कहा आइए। अरे हम लोग चलते चले गए, एक सड़क दो सड़क तीन सड़क पार कर गए कि पैदल लिफ्ट दे रहे हैं क्या, हमें लगा कि कैसे, तो पता चला कि एक स्कूटर बड़ी दूर पार्क करके आए। तो हमने कहा क्यों, तो बोले उस पार्टी के आसपास ले जाने लायक स्कूटर नहीं है, पुराना हो गया, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पार करके गया। तो ये दोनों पक्ष जो थे उनके अद्भुत व्यक्तित्व और कवित्व तो और भी अद्भुत और भी मौलिक, तरह तरह के उनके प्रसंग याद आते हैं। और जैसा मैंने कहा, अफसोस होता है कि अंग्रेजियत के अलावा थोड़ी आत्मीयता और होती तो और आनंद आता। तो मैं अंतिम वक्ता के तौर पे परवेज अहमद सर से आग्रह करूंगा कि वे आएं और अपनी बात रखें। इतनी याद भी नहीं है कि खरे साहब की साहित्य उस पर बात करूँ, मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहूँगा जो पिछले 2.5 महीने में, जब उन्होंने हिंदी अकेडमी ज्वाइन किया था उसके बाद। या क्रिकेट की बात हो रही है तो मैं क्रिकेट टर्म में बात करूँ, तो हम ये सोच रहे थे कि उनका हिंदी अकेडमी का टर्म टेस्ट मैच की तरह होगा, लेकिन वो 20-20 मैच की तरह ख़त्म हो गया, लेकिन रहा उतना ही उतार रहा हूँ, चीज़ें बाहर नहीं आई क्योंकि उनकी सरकार और उनके बीच में मैं था एक फुल बैक या डिफेंडर की तरह, कि ये यहाँ आके रुक जाता था। उन्होंने कम से कम 5 बार बीच में इस्तीफा दिया, वो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अच्छा, उनका कद कहाँ मेरा कद कहाँ, रिश्ते भी कई तरह के, प्रोफेशनल भी साथ काम भी किया, नोवा टाइम्स में, साइंस समाचार में, चांदी जी से घर का संबंध भी रहा, तो एक तलवार की धार पे चलना होगा। तो मैंने फार्मूला निकाल दिया था कि बहस तो करनी ही है और जो कहें आप बिल्कुल, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ जो दी।
कि मैं यही लिख दूंगा उसमें, यही मत लिखिए, एक लाइन में इस्तीफा दीजिए कि वो आपने जो मुझे सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद, और निजी कारणों से मैं इसको जारी नहीं रख पा। अच्छा बॉम्बे जाके दूंगा, कि बॉम्बे लिख दे दीजिए। फिर फोन आया, मैंने इस्तीफा दे दिया आपने, नहीं नहीं मैं दिल्ली आकर बात करूंगा फिर दूंगा। चलिए एक दिन फिर आया फोन का कि यार ये तुम्हारी जो हिंदी घर नहीं है ये तो कूड़ादान है सर, ये ऐसी जगह है जहां कुछ काम ही नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है काम करना, कोई कल सीधी नहीं है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने होता करते हो चुका है आप दे दीजिए। तो फिर मैंने कहा कि अगर जान की अमान हो और गुस्ताखी माफ हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहना बोल, मैंने आपने तो क्रिकेट पर कविताएं भी लिखी हैं, क्रिकेट खेले भी हैं, खेला नहीं हूँ, कप्तान था कॉलेज का। चलिए और बड़ी बात हो गई, तो और समझ ज्यादा हो गई क्रिकेट की। पर मेरा मानना है कि जब पिच आसान हो, बॉलर लचर हो, फील्डर सुस्त हो, कोई भी आदमी आके सेंचुरी बना दे। बात तो तब होती है पिच खराब हो, बॉलिंग खतरनाक हो, फील्डिंग चुस्त हो, मौसम भी खराब हो, अंपायर भी बेमान हो, तब सेंचुरी बनाइए, तब पता लगेगा। ठीक है समझ रहा हूँ। एक दिन तो 8:30 बजे फोन आया, कहाँ हो? मैंने घर पर। कितनी जल्दी आ सकते हो ऐसी तबियत में? मैंने आपकी तबियत ठीक है? तबियत मेरी बिल्कुल ठीक। मैं तुमसे एक ऐसी खबर शेयर करना चाहता हूँ जिससे सुनकर तुम बेहोश हो जाओगे। अब मैं दिल में सोचा बेहोश होने के लिए मान जाओ, यही बेहोश हो जाओ। मैंने कहा बता दीजिए फोन पर। नहीं नहीं मामला बहुत गंभीर है और फोन पर बात नहीं हो सकती। मैं 2:00 बजे पहुंचा। मामला ये था कि हिंदी एकेडमी ने अपने अवार्ड्स लिस्ट जारी, तो एक तो उनका एक तमगा हमेशा उनके पास होता था, मूर्ख जो किसी के माथे पर चिपका देते थे, देखो किन मूर्खों को अवार्ड दिया। हिंदी जगत में हंगामा मचा, आग लग जाई, मैं मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं बचूंगा। मैं सुनता रहा बहुत देर तक, फिर मैंने वो देखा, मैंने कहा इजाजत तो कुछ मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, क्या है इसमें बोलने? बोलने का ये है कि ये पिछली कमेटी ने दे दिया, पिछले आप क्या कह रहे हैं उससे, वो जो भी करें आप तो इसका हिस्सा तो है नहीं। कहने नहीं मैं मंच पे खड़ा होना पड़ेगा। मुझे क्यों खड़ा होना पड़ेगा, आप बॉम्बे चले जाइए, उस दिन है ही अब यहाँ तो ये बात तो ठीक है। मैंने एक बात और मैं कह रहा हूँ उसमें कि आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि जो पॉलिटिशियन होते हैं इनके लिए हिंदी की दुनिया में आग लग रही है, तूफान हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। उनको तो अपने वोटर की दुनिया ज़्यादा प्रिय होती है। और जावेद अख्तर को आप पसंद करें ना करें, लेकिन वो एक बहुत बड़ा नाम है, पॉपुलर नाम है, पब्लिक को भी अच्छा लगेगा, नेताओं को भी अच्छा लगेगा, आपको क्या फर्क पड़ता है इससे? तो फिर क्या करूँ? मैंने आप शामिल भी हो जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे। कोई आग नहीं, मेरी गारंटी कहीं आग नहीं लगेगी, तो आग नहीं लगेगी। लेकिन एक इस बहाने मैं बार बार बात को सोच रहा हूँ कि हिंदी अभी भी इतनी बरसों से चल रही है और वाइस चेयरमैन बड़े बड़े विद्वान से बैठे हैं, लेकिन आज तक किसी ने सवाल नहीं किया कि भाई एक ऐसी कुर्सी जहाँ सत्ता भी नहीं है, सुविधा भी नहीं, तो वो है क्यों? एक इस मामले में मैं ओम थानी जी की तारीफ करूँगा। पिछले 1-2 साल पहले इनको भी ऐसा एक पद ऑफर हुआ था और थानी जी ने यही कह के उसको मना कर दिया था कि भैया मुझे ऐसा काम चाहिए जहाँ मेरे मुझे चाय पानी मिलता रहे। तो इसमें बात हुई ना, मुझसे कहा, मुझसे कहा, मैंने क्यों कहूंगा? नहीं आपने कहा काम ऐसे, इसमें गलत नहीं है। मैंने तो उनके लिख के भेजा था कि मैं अपने साधन पे आऊंगा, लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि आपने कोई लाभ तो उठाया नहीं। पता नहीं 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 मैं आपको नहीं, अगर लाभ है तो मैं मना कर, नहीं नहीं वो आपकी रिफरेंस भूल रहे हैं कि मनीष सिसोदिया से जो बात हमारी हुई। हाँ हुई थी ना, तो तब आपने कहा था यहाँ कुछ मिलता नहीं है। नहीं ये तो मैं हिंदी एकेडमी के चेयरमैन का, उसमें कोई गलत नहीं है, ये होना चाहिए था। बल्कि मैं तो कहूंगा कि हमें एक प्रपोजल देना चाहिए उनको कि भैया ये कुर्सी जो है ये कोई गुलदान नहीं है, ये कोई जहाँ फूल छो, ये इस पर जीता जाता इंसान बैठता है, उसकी जरूरत तो ख्याल रखना चाहिए। इसमें क्या, इसमें क्या गलत है? और ये सही मौका है कि देखिए अशोक जी इस बात को ज़्यादा जानते हैं कि अभी एक ज़माना था जब राजनेता होते थे उनके साहित्यकारों से, कवियों से दोस्ती होती थी। मेरे ख्याल से अर्जुन सिंह के साथ वो परंपरा ख़त्म हो गई, अब लोग दिखता नहीं। लेकिन हम भाग्य से दिल्ली का एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जो साहित्य प्रेमी है, साहित्यकारों को जानता है,
साहित्यकार उनकी इज्जत करता है। कई मिसालें, जैसे देवताली जी जब आए तो जन से आए थे, जब खनी जी के साथ मिलने गया था मैं उनसे, तो पता लगा कि मनीष से दो बार उनको देख के चले गए। तो एक बार मैंने पूछा कि आप देवता जी से क्या आपका संबंध है, मेरा कोई संबंध नहीं था, मैं तो उनकी कविताओं से संबंध है, मुझे पता लगा तो मैं देखने चला गया। तो जो भी साहित्यकार गया उसकी मदद की, इवन खरे साहब के लिए जो उन्होंने कहा पंत में, तो पूरा हिंदी अकेडमी का हमला वहाँ था, और ये अप्पू बैठे हैं, रात को एक ड्यूटी एक आदमी की हमेशा लगती थी, और वो डायरेक्ट टच में थे। जबकि जब मैंने उनको खबर किया कि भाई ऐसा दुर्घटना हो गई है, तो उनके चेहरे से नहीं ये कैसे सोच रहे, मतलब वो डॉक्टर उनको आश्वस्त कर रहे थे कि ठीक हो जाएगा, ऐसा कैसे सोच रहे, मैंने वैसा हो गया। तो ये पहल हमें करनी चाहिए इस मौके पर ये हो जाए। दूसरी बात ये कि साहित्य तो बहुत बड़ी चीज़ है, और हिंदी साहित्य का उर्दू में इंटरेस्ट रहा है, इतने अनुवाद हुए, वरना इतने बड़े साहित्यकार पहचाने में नहीं आते। लेकिन मैंने खरे जी को देखा पिछले साल में कि वो खोज नहीं बल्कि खोदने के लेकर आए, मीर को देखा और उसका अनुवाद करो, फिर हाल ही आगे आपने सेमिनार भी कराया था, फिर उसके बाद आगे मर्सिया अनीस दबीर को लाओ पकड़कर, ये उसमें पड़ा था, और इतने काम जो सौंपते थे हाल ही पे, नाटक लिख लो, ये कर लो, तो बाहर वो बात आई गई। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि हाल ही के नाटक की जब उन्होंने बात कही, तो मैंने कहा कि देखिए नाटक तो मैं लिख दूंगा आपके कहने से, लेकिन खेलेगा कौन, नाटक तो खेला नहीं जाएगा, मतलब ये नहीं कोई मिलेगा। मैंने कहा आपने एक नाटक का अनुवाद किया था, वो मंच तो गया, तुम्हें कैसे पता। मैंने कहा कि आपने शानी जी को प्रति दी थी, मैं पढ़ने के लिए लाया, तो मेरे पास है, कितनी बड़ी खबर तुम मुझे दे रहे हो, ना तो मेरे पास उसकी प्रति है, ना मेरे प्रकाशक के पास उसकी प्रति है। मैंने दोस्तों से पूछा और कहीं नहीं मिल रही है, तो मैंने उनको ले जाके दी, तो उस पर लिखा था शानी के लिए, कह लिए ये तो शानी के परिवार की धरोहर, इसको ले जाओ फोटो कॉपी दो। तो मैंने उनको फोटो कॉपी ले जाके दी, तो फिर कहने के लिए नहीं ओरिजिनल लाओ मुझे किसी को दिखाना है, लेकिन ओरिजिनल मुझे वापस नहीं मिली। तो ये उनका नाटक है पियानो बिकाओ, ये अंग्रेज नाटककार का नाटक है ना, फ्रेंड्स करिंथी, हाँ नाटक है, और ये 1982 में छपा था, 15 रुपये कीमत थी, वाणी ने छापा था, लेकिन धन्यवाद में उन्होंने वाणी के मालिकों का नाम लिखा है अशोक जैन, महेश्वरी जी शायद पहले जैन लिखते होंगे, चलिए। तो इसमें नाटककार पर एक लेख है, उनका एक इंटरव्यू भी है, और इसमें अनुवादक की तरफ से एक टिप्पणी, तो उसका एक पैरा मैं आपको सुनाना चाहता था, चार लाइनें वो, और वो इसलिए कि वही सारी बातें रही कि खरे जी की इमेज ये है, तो इस चार लाइन में एक खरे जी इतने पोलाइट, इतने विनम्र, और अपने ही किए पर इतने डाउटफुल, ये भी इसमें। अनुवाद में मैंने जिस तरह की भाषा या भाषाओं का इस्तेमाल किया है, यदि इस पर कुछ कहूंगा तो वो या तो पाठक दर्शक को पूर्वग्रहित करने जैसा होगा, या फिर अग्रिम क्षमा याचना जैसा, इसलिए मैं उसे भविष्य के लिए छोड़ता हूँ। यानी यदि भाषा पर समीक्षकों आदि ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की हो तो। इस संदर्भ में मैं यहाँ राष्ट्रीय नाट्यशाला की रंग मंडली के प्रमुख तथा आज के सर्वश्रेष्ठ रंग अभिनेताओं में से एक श्री मनोहर सिंह के प्रति तथा डॉक्टर नामवर सिंह और श्री शानी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने इस अनुवाद की पांडुलिपि को पढ़ा, उसको अत्यंत बहुमूल्य सुझाव दिए और मुझे प्रोत्साहित किया। अब यानी इससे चार महान लोग जुड़ गए, मनोहर सिंह ने उसको रंगमंच के एंगल से देखा होगा, संवाद के देखा होगा, नामवर जी ने और शानी जी ने उसको अनुवाद और भाषा के हिसाब से देखा होगा, विष्णु खरे खुद अपने आप में उतना, क्योंकि इन चार के बाद भी वो लिखते आगे, किंतु यदि इस अनुवाद में खामियां रह गई हों, जो निश्चित रूप से होंगी, यानी खरे जी अपने ही काम को कह रहे हैं कि होंगी, तो इसका दोष सिर्फ मुझ पर हो, उनको सब हटा दिया, फाइनल लाइन में खुद खड़े हो गए, ये भी एक खरे जी। तो अब ये प्रतीक, क्योंकि हमारी आंटी बैठी हैं यहाँ और अप्पू बैठे हैं, तो मैं अशोक जी को ये भेंट कर देता हूँ सुरक्षित हाथों में, ताकि इसका भविष्य आप तय करें। धन्यवाद। का अभी तुरंत एक कार्यक्रम है आज कविता का, हम जलपान के बाद पुनः इसी हॉल में।